जी हाँ दोस्तों, जैसी हमारे देश में नया महीना और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, वैसी हमारे देश में बहुत सारे नए नियम बदल जाते हैं, राइट। तो ठीक दोस्तों, 1 अगस्त 2022 से हमारे भारत की सरकार रसोई गैस सिलेंडर के दाम को लेकर के और रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर के, यानी कि दोनों बड़ी खुशखबरी हमारे भारत की सरकार ने आज जारी कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार 1 अगस्त 2022 से हमारे केंद्र सरकार रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कितने रुपए के परिवर्तन करने वाले है और इसके अलावा गैस की सब्सिडी को लेकर के क्या ऐलान किया है, इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप भारत के चाहे किसी भी जगह से आते हैं, चाहे जहां से भी आते हैं, तो फिर इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ एकदम अंत तक और पूरा लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी आगे रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के छोटी या बड़ी खबर की जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सिंपल और आसानी से मिल जाया करेगी। दोस्तों बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 1 अगस्त 2022 से हमारे रसोई गैस सिलेंडर के दाम को लेकर के, जी हाँ दोस्तों, हमारे एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर यानी कि जो आपके घरों में गैस सिलेंडर यूज होता है, उसके दाम में हमारे भारत की सरकार नए महीने के नए दिन से यानी कि 1 अगस्त 2022 से हमारी केंद्र सरकार रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 106 रुपए की कमी करने वाले है। और इस कमी के बाद हमारे अलग अलग शहरों में जैसे कि अमृतसर, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, रांची, वाराणसी, मुंबई और आपके कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ में हमारे भारत की सरकार सभी राज्यों के सभी शहरों और राज्यों में सभी राज्यों के सभी शहरों में हमारे भारत की सरकार लगभग 106 रुपए की कमी करने वाले है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है उन सभी लोगों के लिए जिनके घर में 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर है। अगर दोस्तों आपके घर में भी 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर है तो 1 अगस्त 2022 से हमारे भारत की सरकार इसके दाम में 106 रुपए की गिरावट करने वाले है। और इसके अलावा दोस्तों बता दें कि हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा नहीं जाता है, तो उनके लिए भी हमारे भारत की सरकार ने आज सबसे बड़ी खुशखबरी जारी किया है। और दोस्तों बता दें कि हमारे केंद्र सरकार ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट LPG.in पर यह ट्वीट करके जानकारी दे दिया है कि अब से उन्हीं के बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा जिनके घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है। अगर आपके घर में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो हमारे केंद्र सरकार की तरफ से केवल उन्हीं के बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा जाएगा, और अगर आपने अपना खुद का कनेक्शन लिया हुआ है तो आपके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा अब से नहीं जाएगा, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन आपको मिला है उन्हीं के बैंक खाते में हमारे केंद्र सरकार की तरफ से अब से गैस की सब्सिडी का पैसा जाएगा। तो ये कुछ हमारे भारत की सरकार 1 अगस्त 2022 से यानी कि नए महीने के नए दिन से न्यू रूल्स और न्यू अपडेट लागू करने वाली है। तो ऐसे में आप में नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा आता है कि नहीं आता है, अगर आता है तो भी और नहीं आता है तो भी आप इतनी बात हमें नीचे कमेंट करके आप बता दीजिएगा। तो चलिए इसी खबर के साथ आज का यह रसोई गैस सिलेंडर का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और नई अपडेट की ताजा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।